दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। रेलवे भर्ती कक्ष उत्तरी रेलवे यानी जो नॉर्दर्न रेलवे है जो दिल्ली में अवस्थित है, इसका हेड ऑफिस, इनके द्वारा जो है रेलवे ग्रुप डी की जो है भर्ती निकाली गई है। अब ये जो RRC उत्तर रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे है, इनके द्वारा ही सिर्फ निकाला गया है। और इसमें आप देखेंगे इसका जो है ऑनलाइन भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आ चुका है और इसका जो पद का नाम है वो देख सकते हैं यहाँ पे, ग्रुप डी का पद रहने वाला है। लेकिन इसमें सब कोई फॉर्म नहीं भर सकता है फ्रेंड्स, इसमें जो है ना स्पोर्ट्स पर्सन ही फॉर्म भर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के ही लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स पर्सन है। तो मैं आपको जो है थोड़ा सा एलिजिबिलिटी बताऊंगा, फिर मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। इसमें आप देखेंगे इतने सारे डिसिप्लिन में जो है वैकेंसी आपकी निकाली गई है और इसका आवेदन भी शुरू कर दिया गया। यही से आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना है। नॉर्दर्न रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिस आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स कोटा न्यू दिल्ली, और यहाँ से आप जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते। पहले आपको इस भर्ती के जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में बता देते हैं, ये भर्ती किस प्रकार से है और कौन लोग एलिजिबल है। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जो है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई है और इसका आवेदन जो है 15 अप्रैल से लेकर 16 मई तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और इसका जो ट्रायल चलने वाला है, कोई इसमें रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट आपको ट्रायल चलेगा और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेवल वन की सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी, जो रेलवे की लेवल वन की सैलरी होती है वही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इसका ट्रायल होगा 10 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे अलग अलग जो है डिसिप्लिन और अलग अलग इवेंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बताया गया कहाँ कितनी वैकेंसी है। अगर कोई फुटबॉल मैन है तो 5 वैकेंसी है, इसके अलावा जो है वेट लिफ्टिंग मैन के लिए 2 है, वुमेन के लिए 2 है, एथलेटिक्स के लिए 6 वैकेंसी है, बॉक्सिंग के लिए 3 है। इस तरह से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और लेवल 1 की सैलरी आपको मिलेगी 1800 जो ग्रेड पे होता है, 7th CPC के बेस पे। सिर्फ आप 10th क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ आप 10th पास है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 18 से 25 वर्ष की आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, नो एज रिलैक्सेशन, कोई आपको एज में छूट नहीं दिया गया है। 1 जुलाई 2024 को आपका उम्र यहाँ पे गणना किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो सभी इवेंट्स को मिला के 38 पदों की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो ये फ्रेंड जो है ओवरऑल जानकारी है, आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पे बैंड स्केल यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह दिया गया है, आप इसे चेक करेंगे। आपको फिट कैंडिडेट्स होने चाहिए, यहाँ पे आपको कितना मार्क्स मिलेगा फिट होने पे और नॉन फिट को कितना मार्क्स मिलेगा यहाँ पे दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे बता देगा, ट्रायल कैसे होगा, फॉर्म भरने का जो फी है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है, 500 रुपए, और जो 400 रुपए 250 रुपए होते हैं वो आपको रहेगा। जैसे कि 500 रुपए जैसे अगर आप पे करते हैं तो आपका 100 रुपया काट के 400 रुपए रिफंड हो जाता है, वही वाला रूल लागू होगा। SC ST को 250 रुपए लगेगा लेकिन पूरा का पूरा पैसा उनका रिफंड हो जाएगा जब वो ट्रायल में शामिल होंगे। तो ये जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है निकाली गई है, आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, इसके लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा RRCNR.org की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। डिटेल नोटिफिकेशन को आप यहाँ से सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं, पूरा वैकेंसी के बारे में ब्यौरा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और यहीं पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई वाला पेज हो पाए ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, लॉग इन का ऑप्शन मिलेगा। तो पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं यहाँ पे भी, और उसके बाद आपको एग्री करना है और यहाँ प्रोसेस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अपना नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको बता देना है, जेंडर बताना है, कैटेगरी बताना है, जनरल है, SC ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका सब कैटेगरी कोई है तो बताइए वरना जो है NA कर देंगे। इसके वजह से क्वालिफिकेशन 10th है, इंटरमीडिएट है, आपका जो है CPC का स्तर लेवल 1 यहाँ पे आएगा। फिर आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बोला जाता है कि लॉग इन डिटेल्स आपके मोबाइल नंबर भेज दिया गया, आपको ओके कर देना है। ओके करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन जो हो जाता है और यहाँ पे ईमेल आईडी शो होता है और यहाँ पे मोबाइल नंबर शो होता है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि आपकी लॉगिन जानकारी जो है आपके मोबाइल पे भेज दिया गया है। अब क्या करेंगे, आप अपने ईमेल और मोबाइल दोनों को जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें क्या होता है कि आपकी लॉगिन डिटेल्स होती है। अब आपको क्या करना है, लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करना है। तो देखिए मेरे का मोबाइल पे जो है लॉगिन डिटेल्स आ चुका है, इसमें लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है, हम इसे नोट जरूर कर लेंगे, SMS भी मेरे पास आ ही गया है। हम यहाँ लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे, जो आपको पासवर्ड मिला वो पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जो है जानकारी यहाँ पे शो हो जाता है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से आपको जो है आगे का प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे आगे का प्रोसेस आपका जो है पेमेंट फी जमा करना होगा, फिर आपका जो है प्रोफाइलिंग स्टेटस आपका होगा पेंडिंग है, फिर आपको जो एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह यहाँ पे दिखाएगा, फिर सर्टिफिकेट वगैरह आपको जो अपलोड करना है, फिर लास्ट में आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो इसके आगे वाला जो स्टेप है फ्रेंड्स, आपको फी जमा करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है, EMI,
और यूपीआई का भी है, पे लेटर का भी ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, इसके अलावा आपको डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग वॉलेट का ऑप्शन है। इसमें से कोई भी ऑप्शन को आप चुनाव करेंगे और चुनाव करके क्या करेंगे, पेमेंट को जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते ही आपका फ्रेंड्स पेमेंट जमा हो जाता है, उसके बाद से फ्रेंड्स आपको जो है आगे का प्रोसेस करना। आगे का प्रोसेस में आपको जो है अपना फॉर्म को भरना है, प्रोफाइल कंप्लीट करना है, स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी देना है और उसके बाद से एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जैसे कि अगर जाति मांगे जाए तो जाति सर्टिफिकेट, निवास मांगे तो निवास सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मांगे तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये सब जानकारी को क्या करेंगे आपको जो है अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स लास्ट में आपको जो है फाइनल कर देना है, सबमिट कर देना है फॉर्म को और उसके बाद से प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जो हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेना है। तो इसका मैंने जो है प्रोसेस बताया कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अब आप में से काफी सारे लोग ये पूछेंगे कि सर कितने तरह के जो है किस लेवल पे अगर हम स्पोर्ट्स खेलें तो हम जो है इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते। आप में से बहुत सारे लोग के मन में ये डाउट्स होगा। देखिए अगर आपने जो है कंट्री लेवल पे अपनी कैटेगरी सी वाले जो चैंपियंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए सीनियर कैटेगरी में बोला है थर्ड पोजीशन फेडरेशन ऑफ कप चैंपियंस में भी अगर आपने भाग लिया है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। रिप्रेजेंटेड एट स्टेट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, अगर आपने स्टेट या उसके इक्विवेलेंट में अगर आपने जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है तो आप जा सकते हैं। एक्सेप्ट एक्सेप्ट यहाँ दिया हुआ है किसको छोड़ के, तो मैराथन एंड क्रॉस कंट्री को छोड़ के 8th पोजीशन इन द सीनियर नेशनल चैंपियनशिप को ओनली यहाँ पे आपको लिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि इन बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस में किसको यहाँ पे लिया जाएगा, यहाँ पे आपको पोजीशन वगैरह बताया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप देखेंगे तो चेस में किसको यहाँ पे रखा जाए, उनका सैलरी क्या होने वाला है, तो इस तरह से जो है सारी चीजें यहाँ पे जो है दिया हुआ है। तो आप एक बार जो है ना फ्रेंड्स फॉर्म भरने से पहले आप इस पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। मेरा काम है ओवरऑल जानकारी बताना और जहां तक मुझे चीजें लगती है हम सारी चीजें को बताते हैं। अगर हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो वीडियो 1 घंटा का हो जाएगा। तो हम आपसे कहेंगे कि आप एक बार इस नोटिफिकेशन को अपने स्तर से भी जरूर पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है। देखिए इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है सबसे पहले आपका ट्रायल होगा। ट्रायल में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। फिट कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा और अगर आप अनफिट पाए जाते हैं तो आपको वहीं पे छांट दिया जाएगा। इसके बाद से आपको जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट के ऊपर 50 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो जनरल इंटेलिजेंसी पर्सनालिटी वगैरह के बारे में देखा जाएगा और उसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से आपको जो 60 मार्क्स का जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आपके बनेंगे और उसमें आपका मेरिट यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो ये आपका ट्रायल के बेसिस पे यहाँ पे होता है, उसके वजह से मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका जो है प्रोबेशन पीरियड होता है, फिर आपका ट्रेनिंग होता है और ये आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो है प्रोसेस है फ्रेंड्स, आप एक बार यहाँ पे देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार जरूर चेक करेंगे फॉर्म भरने से पहले। और यहाँ पे देखिए आपका जो है प्रोसेस ऑफ फिलिंग फॉर्म का भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया गया इस नोटिफिकेशन में। फॉर्म भरना है आपको, फी जमा करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ऑनलाइन पेमेंट प्रिंट कर लेना है और आपको जो एप्लीकेशन डिटेल्स को भी प्रिंट आउट कर लेना है। ये सारे डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रायल के समय में ओरिजिनल मांगे जाते हैं। और अगर आप SC/ST से आते हैं तो अपना जाति सर्टिफिकेट, OBC से आते हैं तो अपना सेंट्रल लेवल वाला OBC सर्टिफिकेट, मिलिट्री से आते हैं, EW से आते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स आप जरूर जो है बनवा लीजिएगा, जाति और निवास बनवा लीजिएगा। यहाँ पे आपको ट्रायल के समय में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे तो 10th का सर्टिफिकेट और 12वीं अगर पढ़े हैं, ग्रेजुएशन पढ़े हैं तो भी आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, इसके अलावा जो जाति सर्टिफिकेट्स है EWS SC/ST OBC का वो आप अपने जब बनवा के लेके जाएंगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। बाकी मैंने ओवरऑल सारा जानकारी जो है इस भर्ती के बारे में बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को जरूर भरिएगा, इस तरह के क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। अगर आप नहीं करते हैं, आपका दोस्त कोई इस तरह का क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनको जरूर बताइएगा ताकि वो जो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। बिना रिटन एग्जाम का जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।